चैत्र नवरात्र का तीसरा दिन है। आज के दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि का तीसरा दिन भय से मुक्ति और अपार साहस प्राप्त करने का होता है। दरअसल माँ दुर्गा के नौ रूपों की पूजा और साधना के लिए नवरात्रि का समय सबसे अच्छा माना जाता है। ऐसे में 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हुई है। पहले दिन से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। 17 अप्रैल तक 9 दिनों तक मंदिरों में देवी शक्ति की उपासना होगी। इस बीच दिल्ली के कात्यायनी देवी मंदिर में भोर आरती की शुरुआत जयकारों के साथ हुई। दिल्ली के प्रसिद्ध झंडे वाला मंदिर में भी सुबह भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। देवी माँ के दर्शन के साथ भक्तों ने पूजा आराधना की और भक्ति में लीन नजर आए। इसी कड़ी में वहाँ पहुँचे भक्तजनों ने बताया कि इस बार की चैत्र नवरात्रि कितनी खास है और मंदिर में क्या कुछ रौनक देखने को मिल रही है। सब भक्तों की बहुत ही भीड़ है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। डेली आते हैं माता रानी के दर्शन करने। यहाँ अच्छे से अच्छे लोग आते हैं, बहुत सुंदर लगता है। यहाँ अच्छा सजावट होती है और यहाँ हर माता रानी हर की मनोकामना पूरी करती है, इसलिए लोग यहाँ श्रद्धा से भावना से आते हैं। और यहाँ कोई मन में भेदभाव ना हो तो लोग आए, नहीं तो अगर भेदभाव वाले इंसान ना हो तो ठीक है, अगर झूठ कपट वाले हों तो बेशक ना आए। तो यहाँ आने से एक मन को सुख शांति मिलती है। और आज तीसरा नवरात्र है माता का, हमने बहुत अच्छे दर्शन करे, झंडा वाली माता के खुले दर्शन हुए। दर्शन करके जाए माता रानी से, अपनी मनोकामनाएं मांग कर जाए। मैं दुआ करूंगी इन बच्चे वालों के लिए, झोली पसार के इन बच्चे वालों की, सबकी माता रानी मनोकामनाएं पूरी करे, जय माता। तो आज तीसरा नवरात्र है और झंडे वाली माता के मंदिर में बहुत अच्छी सजावट की गई है। हर साल हर 6 महीने बाद कुछ न कुछ यूनिक सी चीजें देखने को मिलती है इस मंदिर में। और बहुत अच्छे यहाँ के सेवादार बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं हर बंदे को, अच्छे से दर्शन करवाते हैं। कोई धक्का मुक्की नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई छीना छपटी नहीं। बहुत अच्छे यहाँ के सेवक भी हैं और मंदिर के हर पंडित भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे बहुत अच्छे से दर्शन कराते हैं। और सबके लिए यही दुआ करूंगी, सबकी इच्छा पूरी हो और मेरी भी हो, पहले सबकी हो फिर मेरी हो। सभी को जय श्री महाकाल, नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी तरह नवरात्रों के खास और पावन दिनों में भक्तों की रोज भीड़ उमड़ रही है और ये रौनक 17 अप्रैल तक मंदिरों में इसी तरह देखने को मिलेगी।